अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्रैक क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस। एज यू ऑल नो, क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत मकबूल है इस पेरेंट्स में और ये बहुत ज़्यादा रखा जाता है। लाइक 50 to 60% स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर ग्रुप में से क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट करते हैं। अब तक तो ये हाई स्कोरिंग ही रहा है, लेकिन एज़ फार एज 2020 रिजल्ट इज़ कंसर्न्ड तो ये हिट हुआ है 2020 में। लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगले साल भी ये हिट होगा या नहीं होगा। हिट होने के सिनेरियो के अलावा इट इज़ अ बेस्ट वन टू चूज़। वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ स्ट्रेटजीज़ कि किस तरह से आप अपने इस सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हैं, किस तरह से आप क्रिमिनोलॉजी को क्रैक कर सकते हैं फॉर सीएसएस। क्रिमिनोलॉजी एक अटेंशन ग्रैबिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप क्राइम की कॉजेज़ देखते हैं, हैपनिंग्स देखते हैं और साथ ही साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन डिटेल देखते हैं। अगर आप ये सब्जेक्ट रखते हैं तो 70+ स्कोर्स आ सकते हैं, बशर्ते कि उस साल ये सब्जेक्ट हिट ना हुआ हो, क्योंकि 2020 में हिट हुआ है बहुत बुरे तरीके से। लेकिन डोंट वरी, मे बी ये अगले साल हिट ना हो। और अगर आप पेपर में सारे एस्पेक्ट्स पे गौर करते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से जो भी एक पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होती हैं पर्टिकुलर उस पर पूरा उतरते हैं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स भी देता है ये सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है उसकी चार स्ट्रेटजीज तरतीब दी गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपने एक किताब खरीद लेनी है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी बाय पीटर जॉयस। ठीक है, ये किताब जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो रहा है और बेस्ट वन है क्रिमिनोलॉजी को क्रैक करने के लिए। सेकेंडली, अगर आप कोई लोकल बुक, लोकल ऑथर को कंसल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है अकॉर्डिंग टू अवैध इरशाद टॉपर ऑफ सीएसएस, एस्पिरेंट्स को तैयारी दो किताबों से करनी चाहिए। एक किताब वो जो कि लोकल हो, वो किसी भी पब्लिशर्स की हो सकती है जिसमें सारा का सारा सिलेबस कवर हो रहा हो, और दूसरी वो किताब जो कि वैल्यू एडिशन के लिए होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन मतलब कि वो किसी फॉरेन ऑथर की होनी चाहिए और उसमें जो रिसर्चेस, जो डिटेल्स होंगी वो ऑब्वियसली लोकल ऑथर से ज़्यादा बेहतर होंगी। तो इस तरह से आपके जो भी आंसर होगा उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगी थ्रू डेट फॉरेन बुक। तो फॉरेन बुक के तौर पे आपने ले ली पीटर जॉयस की किताब इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी, और एज फार एज लोकल बुक इज़ कंसर्न्ड तो उसके लिए आप या तो क्रिमिनोलॉजी बाय JWT पब्लिशर्स ले लें, या क्रिमिनोलॉजी बाय एडवांस पब्लिशर्स ले लें, या कारवान की ले लें, ठीक है, बाय डॉक्टर लियाकत खान न्याजी। तो अगर आप ये थर्ड वन लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें कवर हो रही हैं। बाकी अगर आप ऊपर वाली दोनों में से भी ले लेते हैं तो भी कोई मज़ायका नहीं है। तीसरी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, वो ये है कि यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद वेबसाइट्स मेंशन इन द सिलेबस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी का आप सिलेबस अगर देखें FPSC की वेबसाइट पर, उसमें कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है रिगार्डिंग क्रिमिनोलॉजी, रिगार्डिंग क्रिमिनल केसेस, तो आप उनको ज़रूर फॉलो अप कर लिया करें, क्योंकि वहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हिसाब से इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा जी, फोर्थ स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वो ये है कि अगर आप बोर हो गए हैं किताबों से तैयारी कर करके तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं क्राइम के बारे में, और इसके लिए बेस्ट चैनल जो YouTube का रिकमेंड किया जाता है वो है विद्या मित्रा। आप ये स्पेलिंग गौर से देख लें स्क्रीन पर, ये चैनल का नाम है विद्या मित्रा। इस पर जो क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होती हैं वो आप देख लें अलॉन्ग विद द बुक्स। ऐसा नहीं है कि फिर आपने बुक्स कंसल्ट नहीं करनी, आपने बुक्स भी कंसल्ट करनी है, यहाँ से भी देखना है, फिर इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके आपने नोट्स बनाने हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।